नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ डिमसम। और मुझे लगता है कि डिमसम हर लोगों को पसंद है, और डिमसम मैं बनाऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि मैं इसमें यूज करने वाला हूँ स्क्विड इंक। और डिमसम मैं बनाऊंगा प्राउन्स में, ब्लैक कलर में। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं और करते हैं रेसिपी स्टार्ट। सो गाइस, ये है स्क्विड इंक पाउडर, और ये है मैदा, और इसमें थोड़ा सा व्हीट स्टार्च भी है जिसको मिक्स करके रखा है मैंने। और सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे स्क्विड इंक पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे वाटर, और जो ये पानी है ये गुनगुना पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। सो सबसे पहले डो लगा देते हैं। सो डो हमारा रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। और डो हमें थोड़ा सा हार्ड ही रखना है इस तरह से। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अनियन काट लेते हैं, और अनियन को हमें चॉप करना है, और अनियन को आप बारीक ही काटें, बिल्कुल बारीक। ये है हमारे पास फ्रेश प्राउन्स, और इनको हमें चॉप करना है। तो प्राउन्स को चॉप कर लेते हैं, और इनको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का हल्का मोटा रखना है ताकि ये खाते टाइम मुंह में आए। सो प्राउन्स को हमने चॉप कर लिया है, ये ऑलमोस्ट चॉप हो गए हैं, इनको हल्का हल्का ही चॉप करना है हमें इस तरह से। और प्रॉन्स को डाल देंगे एक बाउल में, आप देख सकते हैं मैंने इनको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस इनको चॉप किया है मोटे मोटे से। और इसमें डालेंगे जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक और अनियन, आप ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सीजनिंग पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और सॉल्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेस्टर सॉस यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। और ये है सोया सॉस, मैं सोया सॉस लाइट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपके पास कोरिएंडर लीव है तो कोरिएंडर लीव आप यूज कर सकते हैं। सो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। सो आप देख सकते हैं प्राउन्स का जो हमारा ये मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है, स्टफिंग है जो, इसको रख देते हैं अंदर। और सबसे पहले हम डो यहाँ पे देख सकते हैं, डो को हमें बेलना है पतला इस तरह से, और ये ज़्यादा ही हार्ड हो गया है। सो इसको हमने कुछ इस तरह से बेला है, और ये बिल्कुल पतला है, और आप इसको बिल्कुल पतला ही रखें, जितना पतला रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और मैंने इसको यहाँ पे काट दिया है, और आप देख सकते हैं जो थिकनेस है इसकी, और ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है, इसको और थिन करना है। सो इसको बेलना पड़ेगा हल्का, और तो एक स्पून प्राउन्स का लेंगे इस तरह से, और इसको हमें रखना है बिल्कुल सेंटर में, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से ऐसे इसको बंद करना है इस तरह से।
और इसको प्रेस करना है, अच्छे से दबाना है इसको ताकि ये खुले ना। फिर इसको पूरा बिल्कुल बंद कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और ये डिमसम हमारा बिल्कुल पैक हो गया है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये साइड से आपको प्रेस करना है अच्छे से ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से, तीनों साइड से इस तरह से, ये देखिए। सो गाइस, डिमसम हमारे रेडी हो गए हैं। रेडी नहीं मतलब स्टफिंग हमने कर ली है, और अब हमें इनको रखना है स्टीमर में। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो, ये है स्टीमर, इनको डाल दिया है हमने स्टीमर में, चार पीस, और अब रख देते हैं इसको स्टीम करने। सो, यहाँ पे डिमसम हमारे जो है वो रेडी हो रहे हैं, और इनको रेडी होने में मुझे लगता है 7 से 8 मिनट लगेंगे। और गाइस, डिमसम हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखिए आप प्लेटिंग यहाँ पे, वाओ। ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उतने खाने में टेस्टी है। और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स है तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।